नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस डिटेरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आपका रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कि कैंसर आपकी अपने पर्सन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो जी चलिए चलते हैं कि देख लेते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनके कैंसर को लेकर क्या सोच है, क्या थिंकिंग है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर महसूस कर रहे हैं कि अगर अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकाला गया, करेज हिम्मत और साहस के साथ अगर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़े तो वो कभी भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हिम्मत नहीं करी, साहस नहीं करा तो वो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो कैंसर है उनको करेज हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो डरते घबराते रहेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे, एट ऑफ स्ट्रेंथ को क्यों आया है, यूनिवर्स जी एट ऑफ स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिएगा प्लीज़ कि क्यों आया है। ऐसा क्या हुआ है कि वो हिम्मत के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालना चाहते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों सोच रहे हैं वो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं तो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चला है, कॉन्फ्लिक्ट चला है, वाद विवाद चला है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं। तो इस लड़ाई झगड़े की वजह से वो इस रिश्ते से, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी इगोस्टिक हैं, मतलब लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, आप मौका देखते हैं, मौका ढूंढते हैं लड़ने का, या फिर आप ऐसा उनके बारे में महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में कि जो आपके पर्सन हैं वो लड़ाकू टाइप के हैं, वो कभी भी लड़ने बैठ जाते हैं वो और लोगों को धोखा देते हैं। जितना उनके साथ प्यार से पेश आते हैं उतना ही वो पीठ में छुरा घोंपते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है इस रिश्ते में, कि जो इस दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है वो घर का मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाना चाह रहा हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो इस रिश्ते से ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, वाद विवाद है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, जब तक ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता, वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और नए रास्ते की तरफ, नए डायरेक्शन की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। उन्होंने सोच लिया कि जब तक वो इस रिश्ते में रहेंगे उनकी ईगो हर्ट होती रहेगी और कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, एंजाइटी आता रहेगा। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि जब तक अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो इसी रिश्ते में फंसे रहेंगे, इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो कभी भी
लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस रिश्ते से, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, इस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे या फिर इस सिचुएशन को नहीं छोड़ेंगे, तो तब तक कुछ ना कुछ परेशानी दुविधाएं आती रहेंगी, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और कुछ वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए हिम्मत के साथ, करेज के साथ, साहस के साथ वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले। तो वो इस रिश्ते से फिलहाल के लिए मूव ऑन करते हुए, इस रिश्ते को छोड़ते हुए वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं कि अब कैंसर क्या सोच रहे हैं, कैंसर अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं कैंसर को लेकर। कैंसर को लेकर, कैंसर अपने पर्सन को लेकर कैंसर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ इस कैंसर, या आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, नेगेटिव हो चुके हैं आप को लग रहा है कि जितना इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है आप उतना ही दुविधा में आ रहे हैं, आप इस जाल में फंस चुके हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें इतने फंस चुके हैं, इतने धस चुके हैं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी दुविधा में हैं। आप या तो खुद अपने पर्सन से बातें नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है कि इन चीज़ों से मुक्ति पा सके, इन परेशानी दुविधा से बाहर निकल सके। तो अभी इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल हुआ है, जिस वजह से आप अपने आप को काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहते हुए भी इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपको लेकर काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में है, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स को कि क्यों आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग वन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कैंसर, क्योंकि आप इस रिश्ते में काफ़ी घिरा हुआ बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि जितना आप इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आप इस रिश्ते में बंधते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपने सोचा है कि अभी फ़िलहाल के लिए आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, सेल्फ केयर करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, यूनिवर्स पर आस्था लगाते हुए, उन पर भरोसा करते हुए आप इस नए मार्ग की तरफ, यानी कि यूनिवर्स की तरफ रुझान करना चाह रहे हैं। और क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक हो चुके हैं, स्टक एनर्जी में, रुका हुआ, थंबा हुआ सा सब कुछ महसूस कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, तो अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में पर भरोसा करते हुए अगर अपना नज़रिया चेंज करेंगे, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो शायद आपका नज़रिया चेंज हो सकता है, या फिर दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखा जा सकता है। तो जब तक ये पॉजिटिविटी आती है तब तक आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना चाह रहे हैं, और आप सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, अपनी स्टेबिलिटी, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। इसलिए आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि तभी आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, तब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपने सोच लिया है कि करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते से बाहर होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और आगे अपने आप को यूनिवर्स में आस्था लगाते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। तो देख लेते हैं कि आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं। पहले देखते हैं कि जो कैंसर के पर्सन हैं वो कैंसर के लिए क्या चाहते हैं, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं,
यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट के इस रिश्ते में अगर वापस आना है तो वो क्लैरिटी के साथ आएँ, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें। और जो चीज़ें इस रिश्ते को परेशानी दे रही हैं, दुविधाएँ दे रही हैं, उन चीज़ों को वो ख़त्म करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को, या फिर नए रिश्ते की तरफ ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, इस रिश्ते से वो बाहर निकलें। देख लेते हैं इसको क्लैरिफाई करके कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे सबसे पहले वो जगलिंग फेज में हैं, जिगजैग कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आने के लिए सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या फिर सबसे पहले अपने स्टेबिलिटी पर, अपने जॉब बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो इस एक तरफा वो सोच रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और वापस इस रिश्ते को स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब वो एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और इसमें अवर्नेंस आएगा, खुशियां आएंगी, सहनाइयां बजेंगी और फिर से ये एक रिश्ता होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि क्योंकि ये जो वॉन्ट्स का कार्ड है, ये जॉब बिजनेस करियर को भी दर्शाता है कि अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, खुद को स्टेबल करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो सारी चीज़ें लाइफ में ठीक हो सकती हैं। तो अभी वो जगलिंग फेज में है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो इस रिश्ते की तरफ एक दूसरे से माफ़ी मांगकर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आए, या फिर अपने जॉब बिजनेस करियर में स्टेबल हों। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस चीज़ में दुविधा में है कि वो क्या करें, क्योंकि वो झूठ को नहीं अपनाना चाह रहे और क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर हर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं कि कैंसर आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन को लेकर, आपकी अपने पर्सन को लेकर आपको क्या चाहिए उनसे। कैंसर अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द हायरोफंट, तो कैंसर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं कि वो सबसे पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से, गुरु मेंटर से जो इस रिश्ते के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, उससे सलाह मशवरा करके वो आगे बढ़े। या फिर साफ स्पष्ट बात है कि वो अगर उनको कोई नया रिश्ता मिल रहा है तो उनका वेट इंतज़ार ना करें, वो नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़े। अगर उनकी लाइफ में कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उनका वेट ना करें, वो नई डायरेक्शन में जा सकते हैं, नए लोगों, नया रिश्ता अपना सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें फ्रेंड्स बार बार बता रही हूँ कि रोल रिवर्स हो सकते हैं। और अब द हायरोफंट को हम क्लियर करते हैं, तो देख लेते हैं कि कैंसर क्या चाहते हैं एक्चुअली। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चाहते हैं, जो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो परेशानियां, दुविधाएं, बाधाएं आ रही हैं, या तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, काफ़ी स्ट्रेस है, तो या तो कैंसर आप उनसे खुलकर बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है कि इस झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म किया जाए। आप महसूस, आपको आप चाहते हैं उनसे कि बजाय के
एंजाइटी स्ट्रेस में परेशानी में रहने के वो अगर एक दूसरे से थोड़ा खुलकर बातें करेंगे तो कुछ हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि भले ही ये एनर्जी इमैच्योर है या नहीं है तो वो थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, क्योंकि कैंसर के पर्सन जब भी बोलते हैं तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे लोगों को सामने वाले को परेशानी होती है। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें। और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में वो चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, स्वाद विवाद एंजाइटी स्ट्रेस को छोड़ेंगे, तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर, किसी मेंटोर की सलाह लेकर या किसी नॉन पर्सन की सलाह लेकर अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। इसमें खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से घर बनना, घर बसना, खुशियाँ आना, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करना, फिर से सारी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, पॉजिटिविटी मिल सकती है, न्याय मिल सकता है, क्योंकि ये तुला का भी कार्ड है। क्यों तो वो चाहते हैं कि अगर उनके साथ वो न्याय करेंगे तो उन्हें खुद भी न्याय मिलेगा। तो वो इस रिश्ते में इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं और किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए उनके साथ सलाह मशवरा करके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत चाह रहे हैं कि अगर वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जानी शुरू होंगी, रिश्ता फिर से एक होना शुरू होगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स की गाइडिंग प्लीज, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। द चैरियट जी, इसमें रिकॉन्सिलेशन होता दिखाई दे रहा है। अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डिटर्मिंड बंदे की तरह बिना हिम्मत हारे वो एक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और इसमें हिम्मत नहीं हारेंगे, इसमें वो आगे बढ़ेंगे, तो सितारे भी उनका साथ देंगे, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, दोबारा से फिर से ये रिश्ता जुड़ सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में इसका आउटकम जो बता रहा है कि वो बता रहा है कि सितारे भी उनका साथ देने वाले हैं, क्योंकि वो हिम्मत, करेज और साहस के साथ इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, इसमें वापस बढ़ना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, द चैरियट को। द चैरियट, थ्री ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, वेरी नाइस। तो यूनिवर्स चाह रहे हैं, मतलब इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में डरते रहे, घबराते रहे, तो कभी भी ये रिश्ता पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर तो वो इसमें बिना हारे हुए, बिना थके हुए और यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए इस रिश्ते को चीयरफुल बनाने के लिए उनके साथ टी पार्टी चाह रहे हैं या कॉफ़ी पार्टी चाह रहे हैं या फिर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते से खुशी मिल सके, ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों में तब्दील हो सके और फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह हो सके। और उन पुरानी चीज़ों को, उन पुरानी बातों को, उन पुराने दिनों को याद करना चाह रहे हैं, उनको दोहराना चाह रहे हैं, जो रोमांस के दिन, खुशियों के दिन होते थे, जहाँ उन्हें स्टेबिलिटी मिल रही थी, घर बनना, घर बसना, खुशियाँ आना और ये सारी चीज़ें इस रिश्ते में थी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से रिकॉन्सिलेशन होगा, खुशियाँ आएंगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाएगा और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, क्योंकि वो दोनों तरफ से शायद चाह रहे हैं कि जब तक वो हिम्मत के साथ, करेज और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो वो इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाह रहे हैं और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाह रहे हैं। इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, द स्टार एंड
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके जो गाइडेंस है यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर उन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, यानी कि जो अनकम्प्लीट चीज़ें हैं रिश्ता, या तो उसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दीजिए या फिर नए सिरे से एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू कीजिए ताकि इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अच्छे अच्छे संस्कारों के साथ अच्छी भावनाओं के साथ अच्छे विचारों के साथ अगर इस रिश्ते में एक नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है एक दूसरे, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो बता रहा है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कि अब भी दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। कोई एक जना महसूस कर रहा है कि जो भी उनके पर्सन करते हैं, जो भी उनके पार्टनर जो भी काम करते हैं वो बड़ी खूबसूरती से करते हैं, उनका काम करने का तरीका जो है उनको बहुत पसंद आता है, तो हर चीज़ उनकी बहुत उनको अच्छी लगती है। तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा अपने आप को स्पेस देते हुए अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं क्योंकि अब भी इस रिश्ते में दोनों तरफ से अट्रैक्शन है, प्यार प्रेम है, आकर्षण है, और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें दे रही थी, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी संस्कारों के साथ, अच्छी नेक नीति के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ सहयोग करते रहिएगा और मैं इसी तरह आपके सामने वीडियो बनाकर लाती रहूँगी। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।